पिछले लेसन में हम लोगों ने एक इमेज के ऊपर कलर और लाइट एडजस्टमेंट जो है वो अप्लाई की थी, और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेसन में हम उसी इमेज को जो है वो वहाँ से आगे ट्रीट करना शुरू करेंगे। तो चलें चलते हैं और उसी इमेज के ऊपर अब इस लेसन में हम लोग अप्लाई करके देखते हैं रीटचिंग के टूल्स को, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन अब इस इमेज पे वो वन बाय वन हम जो वर्कफ्लो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करके दिखाता हूँ। चलें जी, अब हम इसको जो है वो रीटच करना शुरू करते हैं इमेज को। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस इमेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मार्जिन है हमारे पास, आपको फ्रैकल्स नज़र आ रहे हैं, स्किन के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम देखते हैं कि हम इस इमेज को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं जो है वो रीटचिंग के हवाले से। अच्छा, ओरिजिनल इमेज मैंने इसको इसीलिए नाम दिया था ताकि मेरा जो एक्चुअल इमेज है वो मेरे पास महफूज रहे। अगर मैं ये एडजस्टमेंट ऑफ करूँ तो ये देखें मेरा एक्चुअल इमेज, ओरिजिनल इमेज मेरे पास बिल्कुल वैसे का वैसा महफूज है। अब जो मैं रीटचिंग के टूल्स अप्लाई करूँगा उनके लिए मैं कंट्रोल जे प्रेस करके इस अपनी ओरिजिनल इमेज की जो लेयर है उसकी लूँगा डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट के ऊपर फिर मैं वन बाय वन अप्लाई करता जाऊँगा अपने टूल्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ जी स्पॉट हीलिंग टूल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्किन के अंदर काफ़ी ज़्यादा सारे स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, और आपको याद होगा कि मैंने स्पॉट हीलिंग टूल आपको बताया था जिसकी मदद से हम जो है वो ये स्पॉट्स बड़ी आसानी से स्किन के अंदर से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखें कंटेंट अवेयर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कंटेंट अवेयर की मदद से हम जो है ये स्पॉट हीलिंग टूल जो है इसको यूज़ करते हैं अक्सर, और कंटेंट अवेयर का फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे पिक्सल्स को, हमारे इमेज के पिक्सल्स को जो है वो कैच करने में आसानी फ्राहम करता है हमारे टूल को, और जो ऑलरेडी अगर कहीं पर पिक्सल्स जो हैं वो गड़बड़ होने का ख़तरा हो तो कॉन्टेंट अवेयर की वजह से वो पिक्सल्स जो हैं वो अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं और सेटल हो जाते हैं। अच्छा जी, जे जो है वो शॉर्ट की है हमारी स्पॉट हीलिंग टूल की, और आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट की जो है उसकी मदद से हम साइज़ जो है वो स्पॉट हीलिंग टूल का बड़ा छोटा कर सकते हैं। स्पॉट हीलिंग टूल की मदद से जो है वो साफ़ करते जाएंगे। ये देखें जिस तरह ये जो फोरहेड वाला एरिया ये काफ़ी हद तक जो है वो क्लीन हो गया, इसी तरह से अब ये हमारे पास नीचे जो है ये काफ़ी ज़्यादा सारे स्पॉट्स मौजूद हैं। ये टूल्स कोशिश करें कि आप अपने डॉक्यूमेंट को या अपने इमेज को जितना ज़्यादा जूम इन करके इन टूल्स को अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका जो रीटचिंग है उसका प्रोसेस उतना ही ज़्यादा स्मूथ रहेगा और उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिर्फ स्पॉट्स की मदद से, सिंगल क्लिक्स की मदद से ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल बेहतर इसी तरह से है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सिंगल क्लिक की मदद से सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, आप इसको ड्रैग करके भी जो है वो स्पॉट्स को रिमूव कर सकते हैं, एंड उस तरह से भी ड्रैग की मदद से भी ये जो टूल है ये काम बिल्कुल सही तरह से करता है। अच्छा, ख़ास तौर पे ये जिस तरह ये कर्व्स आ रही होती हैं यानी कि जो शेप जहाँ पे जिस एरिया में डिफाइन हो रही होती है वहाँ पे भी आप लोग ज़रा ध्यान के साथ इन टूल्स को अप्लाई करें, क्योंकि उन एरियाज़ के अंदर भी जहाँ पर कोई फॉर्म बन रही है, कुछ शेप बन रही है, स्किन फॉर एग्ज़ाम्पल आगे से गुलाई के अंदर है या कुछ इस तरह का है, तो वहाँ पे भी डेफिनेटली आपको बड़े ध्यान से जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब ये हमने स्पॉट्स जो हैं वो रिमूव कर लिए हैं इस फेस के अंदर से। अगर मैं इसको आपको, मैं साथ ही साथ इसको सेव करता चलूँ, और अगर मैं इसको आपको जो है वो ऑफ़ करके दिखाऊँ लेयर को, तो ये देखें हम इस इमेज को यहाँ से यहाँ तक ले आए हैं, इसके स्पॉट्स हमने जो है वो रिमूव कर लिए हैं। अब इसी को मैं दोबारा डुप्लीकेट कर रहा हूँ लेयर को, और यहाँ पर मैं खाली हीलिंग टूल जो है जो ऑलरेडी मैं आपको पहले भी आपको याद होगा बता चुका हूँ वो मैं अप्लाई करके बताने लगा हूँ। इसकी भी शॉर्ट की जनाबी अली जे ही है, और ये भी यहीं पे आपको मिलेगा हीलिंग टूल, ठीक है। और हीलिंग टूल की मदद से अब मैं क्या करने लगा हूँ जनाबी अली के ये कुछ एरिया यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये हील होने वाला है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा देखते हैं। ऊपर यहाँ पर आप सैंपल पे क्लिक कीजिएगा सोर्स में, और यहाँ पर करंट लेयर, और डिफ्यूजन आपकी मर्ज़ी है, आप 5 to 6 रख सकते हैं। अच्छा जी, आपको याद होगा कि बेसिकली हम क्या करते थे कि हीलिंग टूल की मदद से हम पहले एरिया सेलेक्ट करते हैं, पिक्सल्स सेलेक्ट करते हैं, और फिर जो हीलिंग टूल है जो पिक्सल्स हमने सेलेक्ट किए होते हैं, जो पिक्सल्स हमने कैच किए होते हैं, उन पिक्सल्स को हमारी जहाँ पर हम जाके अप्लाई करते हैं वहाँ पर ये अप्लाई कर देता है। तो हम जनाब अली वही वाला काम यहाँ पर इस वक्त जो है वो अब इसके साथ कर रहे हैं। ये देखें, अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो ये देखें ये एरिया जो है ये बेसिकली वो आपको इस वक्त ब्रश के अंदर नज़र आ रहा है जो कि जो पिक्सल्स ऑलरेडी इस वक्त सेलेक्ट हुए हुए हैं, यानी अगर मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ तो
ये इसने साफ़ तो कर दिया, लेकिन इसने ओवरऑल ब्रश में अगर मैं बहुत बड़ा करके इसको अप्लाई करूँगा तो फिर डेफिनेटली मेरा जो इमेज है, जो विजुअल है, वो ख़राब होने का अंदेशा है। और इसमें एक टिप ये है जनाबी अली कि आप कोशिश करें कि जब आप किसी भी एरिया को साफ़ करना चाहें, नीट क्लीन करना चाह रहे हैं या रीटच करना चाह रहे हैं हीलिंग टूल की मदद से, तो ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप जो पिक्सल्स जो आप चूज़ कर रहे हैं वो आप उस एरिया के करीब तरीन, यानी कि जहाँ पे आपने उसको डुप्लीकेट करना है, जिस एरिया को आपने हील करना है उसके करीब तरीन जगह से आप जो है वो पिक्सल्स को सिलेक्ट करें, ताकि आपके जो पिक्सल्स हैं वो सही तरीके से जो है वो जाके वहाँ पे अप्लाई हों। तो ये देखें जी, ये नोज़ के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमने जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर कर लिए हैं इससे। ठीक है जी, ये हमने हीलिंग अप्लाई करके देखा, ये देखें। अब हम क्या करते हैं, मैं इसी को दोबारा डुप्लीकेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे अब आ रहा हूँ जनाबे अली, हमारे पास एक और टूल यहाँ पे ही मौजूद है पैच टूल के नाम से। अब मैं डबल क्लिक करके इसको रीनेम करता हूँ और हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे पैच टूल। अच्छा जी, पैच टूल अब मैं इन एरियाज़ के अंदर जो है वो अप्लाई करने लगा हूँ, और पैच टूल हम ज़्यादातर वहाँ पर ही अप्लाई करते हैं जहाँ पर जो हमारे ये जो हीलिंग टूल वगैरह हैं ये थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो उसको हील अप करना, तो फिर हम वहाँ पे उन एरियाज़ में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो वहाँ पे फिर हम पैच टूल की मदद से जो है वो एरियाज़ को ठीक कर लेते हैं। अब ये देखें, मैंने ये किया है कि मैंने यहाँ पे पैच लिया और जहाँ पे जाके मैंने उसको छोड़ा अपने माउस को, उस जगह से पिक्सल जो हैं वो उसने सेलेक्ट किए और उसने जनाब अली वो पिक्सल्स वहाँ पर ला के मेरे पास जो एरिया मैंने पहले सेलेक्ट किया हुआ था वहाँ पे ला के उसने कॉपी कर दिए। अच्छा जी, इसको मैं बिल्कुल रिमूव नहीं करना चाह रहा। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि ख़ास तौर पे पोर्ट्रेट को एडिट करते हुए एक बात का ख्याल रखें कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नेचुरल होती हैं और उनको आप बिल्कुल ख़त्म नहीं करते। तो ये अब हमने पैच टूल अप्लाई कर लिया, हीलिंग टूल अप्लाई कर लिया और स्पॉट हीलिंग टूल अप्लाई कर लिया। अब मैं इस पैच टूल की डुप्लीकेट ले रहा हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक और टूल जो है वो अवेलेबल है, वो मैं अब यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ, कलोन स्टैम्प टूल। ये भी हमने जो है वो पहले डिस्कस किया था, एस जो है वो इसकी शॉर्ट की है। यहाँ पे ही हमारे पास टूल पड़ा हुआ है। अब मैं पहले इस वाले एरिया पे आता हूँ। अच्छा, कलोन स्टैम्प टूल में भी हम आपको याद होगा कि हम पहले एरिया को सिलेक्ट करते हैं फिर उसके बाद हम उसकी जो है वो डुप्लीकेशन करते हैं। ओपेसिटी हम इसमें थोड़ी सी कम कर लेते होते हैं ताकि फ्लो भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, क्योंकि ये ब्रश की तरह काम करता है तो हम ओपेसिटी वगैरह थोड़ी सी स्मूथ कर लेते हैं, सो दैट के हमारा जो एरिया हम स्मूथ करने लगे हैं, जिस एरिया को हम स्टैम्प करने लगे हैं जो है वो स्मूथ तरीके से हमारा जो विजुअल है वो एडिट हो और वो बिल्कुल जो है वो एकदम से कुछ पैच सा लगा हुआ वहाँ पे जो है वो फील नहीं होना चाहिए। तो ये मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये जो हमारे नोज़ का इशू था इसको मैं थोड़ा सा जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे और ये जो नोज़ है इसको हम थोड़ा सा, क्योंकि ये बात जहन में रखें कि जो हमारे ये देखें यहाँ पर ये नोज़ थोड़ा सा अंदर की तरफ फील हो रहा था, तो ये मैं उसको काफ़ी हद तक अब इसकी मदद से बेहतर हो गया। इसी तरह से अगर मैं नीचे आ जाऊं तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा माइल्ड बना रहा हूँ, ये जो शेडो आया हुआ है चिन के नीचे इसको मैं थोड़ा सा स्टैम्प करके इसको मैं हल्का बना रहा हूँ। अब ये जो चिन की एक लाइन है ये पूरी लाइन नहीं मैं हटाऊंगा, क्योंकि अगर इस लाइन को मैं हटा दूँगा तो जो स्किन है वो अननेचुरल फील होगी यहाँ से, क्योंकि ये फेस का फीचर है, अल्लाह ताला ने बनाया हुआ नेचुरली, तो इसको हम बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे बल्कि हम उसको सिर्फ थोड़ा सा जो है वो इस तरह से कर देंगे कि वो बुरा ना लगे। ठीक है जी, और यही हम इस वाले एरिया के अंदर आके जो है वो यहाँ पे इस तरह से चीज़ों को शॉर्ट आउट कर लेते हैं। अगेन अब यहाँ पे ये जो एक डेप्थ बनी हुई है ये भी एक नेचुरल डेप्थ है, तो इसको हम बिल्कुल टोटली ख़त्म नहीं कर सकते, सिर्फ उसको जो है वो हम किसी हद तक बेहतर करेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम आ जाएँ तो यहाँ पर थोड़ा सा आइज़ के ऊपर हम हल्का सा इसको थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं कलोन स्टैम्प की मदद से। तो ये कलोन स्टैम्प जो है ये स्टैम्पिंग तो करते ही करता है, उसके अलावा ये थोड़ा सा स्मूथनेस भी हमें प्रोवाइड कर देता है हमारे विजुअल के अंदर। ठीक है जी, तो ये ना जी, ये हमारा जो इमेज है ये यहाँ तक तकरीबन जो है वो पहुँच चुका है, जिसको मैं लास्ट टचेज़ यहाँ से नोज़ के एरिया को यहाँ से देने लगा हूँ।
चलें, यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको मज़ीद जो है वो स्मूथ कर लेते हैं। चलें, अच्छा जी, अब यहाँ पे कलोन स्टेम टूल भी हमने अप्लाई करके देख लिया है। अब इसको मैं सारी अपनी लेयर्स को आपको ऑफ़ करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये इमेज था और उसको हम जो है वो जनाबी अली ले आए हैं यहाँ तक, ठीक है जी। अब आखिरी जो रीटचिंग की चीज़ मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ वो है जनाबी अली डॉज एंड बर्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हमारे हाइलाइट्स और डार्क्स को जो है वो एडवांस करती है, इन्हेंस करती है। तो मैं अब यहाँ पर आके जनाबी अली डॉज और बर्न जो है ये ओ इसकी शॉर्ट की है, डॉज और बर्न की, और इसके अंदर मैं यहाँ पे रेंज में आके मैं मिड टोन्स लूँगा। मैंने आपको जब ये बताया था टूल, तो मैंने उससे आपको ये भी बताया था कि हम मिड टोन्स क्यों जो है वो यहाँ पे रखते हैं। एक्सपोजर इसका मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। और जनाबी अली, अब मैं सबसे पहले तो क्या करने लगा हूँ कि मैं आइज़ के ऊपर आऊँगा और आइज़ में आके मैं यहाँ पर इसको हम कहते हैं जी आई रिंग, ठीक है जी। ये यहाँ पे हम थोड़ा सा आइज़ के अंदर जो है वो ब्राइटनेस ऐड कर रहे हैं, सो दैट आइज़ में वो थोड़ी सी लाइवली हो जाएं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि हम जहाँ जहाँ पे जिस जिस एरिया में हमें लगता है कि हमारी जो हाइलाइट्स मौजूद हैं हमारे विजुअल के अंदर, उन एरियाज़ में हम हाइलाइट्स को जो है वो थोड़ा सा इन्हेंस कर देंगे। एक्सपोजर में थोड़ा मज़ीद कम करना चाह रहा हूँ ताकि हम बिल्कुल हमारा स्मूथ सी हमारी जो है वो हाइलाइट्स हैं। सबसे पहले मैं तो फोरहेड पे आ जाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, सेंटर के अंदर हमारे पास काफ़ी एरिया है जहाँ पे हमें हाईलाइट जो है वो फील हो रही है। इसी तरह से नोज़ के ऊपर मैं यहाँ पर कर चुका हूँ। यहाँ पर ये जो चीक्स वाला एरिया है, यहाँ पर हमारे पास कुछ हाईलाइट्स का मार्जिन है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास चिन पे भी जो है वो हाइलाइट्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं, और ये अपर लिप्स के ऊपर भी हमारे पास हाइलाइट्स अवेलेबल हैं। चलें जी, अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ बालों की तरफ, और बालों में भी इसके ये देखें जहाँ पे हमारे पास मार्जिन अवेलेबल है। ये हाइलाइट्स डॉज और बर्न जो है ना, ये बेसिकली आप जब विजुअल्स देखते हैं मैगजीन्स वगैरह में या इंटरनेट के ऊपर, तो उन विजुअल्स में आपको जो डेप्थ का फील आती है और आपको लगता है कि यार बड़ा लाइव विजुअल है किसी भी मॉडल का या किसी भी सेलेब्रिटी का, वो बेसिकली ये जो डॉज एंड बर्न वाली जो टेक्निक हम लगाते हैं, ये जो टूल हम अप्लाई करते हैं, इसकी मदद से वो जो एक लाइवलीनेस है वो उस इमेज के अंदर आ जाती है, ठीक है जी। ये अब हमने अप्लाई कर लिया। अब हम इसी लेयर के अंदर रहते हुए बर्न को अप्लाई करेंगे। इसके लिए भी हम पहले एक्सपोजर जो है वो कम कर लेंगे। और याद रखें कि लाइट टू डार्क, जब हम ड्राइंग भी करते हैं तो हम ड्राइंग के अंदर जब शेडिंग करते हैं तो हम लाइट टू डार्क ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं, सो दैट के अगर हमसे कहीं पे हाइलाइट्स या डार्क्स गलत लग जाएँ तो हम उसको इजीली हैंडल भी कर सकें। लिहाजा हम लाइट टू डार्क के अंदर ही ट्रैवल करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप भी कि पहले डॉज अप्लाई करें जो कि हाइलाइट्स अप्लाई करता है, उसके बाद आप जो है वो बर्न अप्लाई करें, जिससे कि हम डार्क्स जो हैं वो हल्के हल्के अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से ये देखें, ये हमने यहाँ पर कुछ डार्क्स अप्लाई कर लिए, यहाँ पर बालों के नीचे शेडो बन रहा है, इसको थोड़ा सा मज़ीद डार्क कर लेते हैं, ये देखें। इसी तरह से बालों के अंदर यहाँ पे कुछ डार्क्स अवेलेबल हैं। चलें जी, ये आईब्रोज़ को भी मैंने इसी की मदद से, जैसा मैंने आईज़ को किया था इसी तरह मैंने आईब्रोज़ को किया है, बल्कि मैं आईज़ के अंदर थोड़ा सा डॉज एक बार दोबारा अप्लाई करना चाह रहा हूँ, और वो मैं यहाँ पे करूँगा। अब ये जो हमारे पास एरिया होता है वाइट वाला, ताकि ये भी थोड़ा सा मज़ीद एरिया हमारा फ्रेश हो जाए। तो ये जनाबी अली, हमने इसके ऊपर डॉज एंड बर्न भी अप्लाई कर दिया, एंड दैट्स ऑल फॉर रीटचिंग। अब मैं इसको सारे को आपको जो है वो ग्रुप करके दिखाता हूँ। तो सारी लेयर्स को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ जनाबी अली रीटचिंग, और अब मैं इसको आपको ऑफ़ करके दिखाता हूँ। तो ये देखें जनाब, ये हमारा पहले विजुअल था और उसको हमने रीटचिंग से ये बना लिया हुआ है, और ये हमने एडजस्टमेंट्स और रीटचिंग इस इमेज के ऊपर अप्लाई कर दी हैं। अब नेक्स्ट लेसन में हम इसी इमेज के ऊपर फिल्टर्स और इफ़ेक्ट्स अप्लाई करके देखेंगे। आप लोगों ने देखा कि जो हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं फोटोशॉप में, जिनकी मदद से हम रीटचिंग कर सकते हैं इमेजेस की, तो कितने आसानी के साथ हम कितना मैजिकल इफ़ेक्ट किसी भी विजुअल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।
और उसमें आर्टिफैक्ट्स जो मौजूद होते हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ आई होप कि आप लोगों को रीटचिंग की जो है वो समझ आ गई होगी। और एक बात मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि ये जिन टूल्स को मैं जिस तरह से आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ जिस ऑर्डर के अंदर और जिस वर्क फ्लो के अंदर, आप भी कोशिश करें कि जब आप प्रैक्टिस करें इस सारे प्रोसेस की, तो आप इसी ऑर्डर के अंदर इन टूल्स को एक बार अप्लाई करके ज़रूर देखें। क्योंकि ये जो ख़ास वर्क फ्लो मैं आपको बता रहा हूँ ये फोटो एडिटिंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर आप फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत आसानी से अपने इमेजेस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से एडिट कर पाएंगे। नेक्स्ट लेसन में इसी इमेज के ऊपर हम मज़ीद काम करेंगे।